आप ये सपना देख रहे हैं कि आपका अपना आशियाना हो, तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है कि वो अब अपना घर नोएडा में बहुत ही कम रेट पर खरीद सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली फैसले ने हजारों घर खरीदारों को खुशी दी थी, और अब गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट को संकट से उभारने और संपत्ति के खरीदारों को राहत देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में सर्कल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे कि नोएडा वासी खुश हो गए हैं। दरअसल कमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग संपत्तियों के लिए सर्कल रेट में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि जिले के सर्कल रेट में कमी की जाएगी। ये कमी कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट में की जाएगी। दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए यूपी सरकार सर्कल रेट में गिरावट कर रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट लगे। सर्किल रेट के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि नोएडा में जमीन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। साल में एक बार न्यूनतम मूल्य का निर्धारण होता है। इसे तय करने के लिए जिले में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल में राजस्व को लेकर काफी कमी आई है। पिछले महीने तक 1500 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों को दिया गया है। आने वाले दिनों में 3 से 4 हजार करोड़ रुपया और दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया गौतम बुद्ध नगर को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला नोएडा, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा दादरी और चौथा जेवर। सर्किल रेट पूरे जिले में अलग अलग हो गया था। सभी जगहों पर एक ही रेट करने की जरूरत हो रही थी। हाउसिंग सेक्टर में कंसिडरेशन अमाउंट और सर्किल रेट में ज्यादा अंतर नहीं था। स्टॉप ड्यूटी पर लगने वाले 6% का सरचार्ज को भी हटा दिया गया है। साथ ही सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। इससे जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले के मुकाबले कम पैसे खर्च करने होंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में भी टारगेट के अनुसार काम नहीं हुआ है। प्राधिकरण में पिछले 4 सालों में कोई एकल भूखंड नहीं बिका है, और साल 2019 में सर्कल रेट कंसिडरेशन अमाउंट के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था। बड़ी यूनिट की बिक्री नहीं हो रही, सिर्फ छोटे छोटे दुकानें बिक रही है। नोएडा के लिए माल में लगने वाला सरचार्ज भी 25% खत्म किया जा रहा है। जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, सभी में फ्लोरर के हिसाब से 31% की कमी की जा रही है। तो अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आप देरी मत कीजिए और अपने घर खरीदने के सपने को साकार कीजिए।